थोड़ी सी भाई प्यार की बात कर लूंगा आपसे, मेरा मन कर रहा है थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ ये IIT के लोग कितना ही खिलखिला लें, कितने ही ठाके लगा लें, कल जो YouTube पर अपलोड करोगे वो वही होगा जो तुम्हारे रात को मोबाइल पर चलता है। वो सुनाता हूँ आपको, चार पंक्तियां सुनिए कि कली चटके, थोड़ी सी देर के लिए बताना कि अभी भीतर कितनी, रोज गार्डन में कितना जाते हो, बरिस्ता में कितना बैठते हो, कि कली चटके तो गुलशन से हवा को इश्क हो जाए। संभालना जरा कविता को, कि कली चटके तो गुलशन से हवा को इश्क हो जाए। वाह, ये वो है बीच में वाह करने वाले जो रोज गार्डन में जाते हैं कि मेरी वाली किसके साथ बैठी है। गुलशन से हवा को इश्क हो जाए, वफा ऐसी गजब हो बेवफा को इश्क हो जाए, वफा ऐसी गजब हो बेवफा को इश्क हो जाए, और इबादत वो कि रब बंदे का दीवाना बना भटके, इबादत वो कि रब बंदे का दीवाना बना भटके, और मोहब्बत वो कि आशिक से खुदा को इश्क हो जाए। बहुत कुछ माता साहब एक कविता सुनाने का मन है, नहीं कविता मैंने आज तक कहीं नहीं सुनाई है, IIT के लिए स्पेशली लिखी है। कविता का शीर्षक है दूसरा प्यार। नहीं, IIT में तो अभी देखना जो सीटी बजाएंगे वो छठे सातवें वाले होंगे। दरअसल क्या, पहले प्यार पर सबने कविताएं लिखी, मैं दूसरे प्यार पर एक कविता आपको सुनाता हूँ, और मुझे लगना चाहिए कि मैं सबसे ऊर्जावान लोगों के बीच हूँ। शुद्ध कविता आपके बीच पढ़ रहा हूं, बिना किसी चूरन चटनी के पढ़ूंगा, सीधे सीधे आपको माल खिलाऊंगा। सुनो कि फिर से थोड़े से मेरे को बीच बीच में उड़ जाते रहना, तो एक अच्छी कविता, एक नई कविता एक बड़े प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने जा रहा हूं, कि फिर से मन में सीटी बाद में सही समय पर सही काम किए जाने चाहिए, सही लोगों को सही चीजें मिलनी चाहिए। इंदिरा जी के दो बेटे थे, जिसे देश चलाना आता था वो जहाज चलाते हुए मर गया, जिसे जहाज चलाना आता था वो देश चलाते हुए मर गया। इसलिए नई कविता पढ़ो, थोड़ी से मन के साथ सुन लेना, मंच थोड़ा सा जागृत हो जाए इस कविता पे। कि फिर से मन में अंकुर फूटे, पहली बार का हो चुका है आदमी, असफल हो चुका है तो दूसरा करे, सफल हो जाता तो दूसरे करने की हिम्मत नहीं कर पाता। कि फिर से मन में अंकुर फूटे, फिर से आंखों में ख्वाब पले, फिर से कुछ अंतस में पिघला, फिर से श्वासों से स्वर निकले, फिर से मैंने सबसे छुपकर एक मन्नत मांगी ईश्वर से, फिर से एक सादा सा चेहरा कुछ खास लगा दुनिया भर से, फिर एक लड़की के इर्द गिर्द जीवन के सब प्रतिमान बने, फिर एक चेहरे के हाव भाव सुंदरता के उपमान बने। मुझको लगता था ये सब कुछ शायद इस बार नहीं होगा, पहले के अनुभव कहते थे अब मुझको प्यार नहीं होगा। पहले के अनुभव कहते थे अब मुझको प्यार नहीं होगा, फिर से मेरे मोबाइल में एक नंबर सबसे खास बना, उसे बोल्ड लेटर्स में सेव करते हैं हम लोग। फिर से मेरे मोबाइल में एक नंबर सबसे खास बना, फिर से बदला हर पासवर्ड, एक नाम मेरा विश्वास बना, फिर से एक मध्यम रिंगटोन आंखों की चमक बढ़ाती थी, फिर से एक लड़की की फोटो मुझसे घंटों बतियाती थी, उसको मैसेज कर सोना था, उसके मैसेज से उठना था, उसका हर मैसेज हर एक मेल बस अलग संभाले रखना था। सोचा था वो एक एपिसोड रिप्ले इस बार नहीं होगा, पहले के अनुभव कहते थे अब मुझको प्यार नहीं होगा। पहले के अनुभव कहते थे अब मुझको प्यार नहीं होगा, फिर से एक चंचल लड़की की हर बात सुहानी लगती थी, वो सांस मिले तो ऐसा लगता है कि जैसे जीवन इसी पे चल रहा है। आदमी जब प्रेमिका का अतिरिक्त विवरण करना चाहता है तो अतिरिक्त रूप से भावुक हो जाता है। शरद जोशी जी इस मंच से काव्य पाठ कर चुके हैं, उनके व्यंग्य का एक टुकड़ा उठाता हूँ। आदमी जब अपनी प्रेमिका का सौंदर्य चित्रण करता है तो अतिरिक्त भावुक होता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का चित्रण कर रहा है, वो इतनी कोमल है कि जब पानी पीती है तो पानी उसके गले से नीचे जाता हुआ दिखाई देता है, गुलाब की पंखुड़ी उसे छू जाए तो उसे खरोंच पड़ जाती है। मैंने उससे पूछा एक बात बता दे, ऐसी से ब्याह करके कोई करेगा क्या? हाथ लगाती तो वो ढेर हो जाएगी।
तो फिर से एक चंचल लड़की की हर बात सुहानी लगती थी। केवल वो लड़की समझदार दुनिया दीवानी लगती थी। उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी हर चीज जरूरी थी। अपने जीवन के खास काम भी केवल एक मजबूरी थी। फिर से मैं सारी दुनिया की नजरों में बस बेकार हुआ। फिर से खर्चे दोगुने हुए, आमदनी घटी, उधार हुआ। मेरा मस्तिष्क मेरे दिल के हाथों लाचार नहीं होगा। पहले के अनुभव कहते थे, अब मुझको प्यार नहीं होगा। और कविता का बहुत संजीदा बंद पढ़ रहा हूं आपके सामने कि फिर से कुछ बेमतलब बातें अधरों पर बन मुस्कान खिली। फिर से कुछ बेमतलब बातें अधरों पर बन मुस्कान खिली। फिर से एक लड़की की यादें दिल के कागज पर लिखी मिली। फिर से नैनों की कोरों पर एक आंसू आ ठिठका ठहरा। फिर से उसकी स्मृतियों ने यादों पर बिठलाया पहरा। फिर से मेरी कविताओं का रस बदला और श्रृंगार सजा। फिर से गजलों में प्रीत ढली, फिर से गीतों में प्यार सजा। मेरा कवि मेरे दिल के हाथों लाचार नहीं होगा। पहले के अनुभव कहते थे, अब मुझको प्यार नहीं होगा। पहले के अनुभव कहते थे, अब मुझको प्यार नहीं होगा। और इस दूसरे तीसरे चौथे पांचवें प्यार को अंतिम बंद में सार्थक कर दूं तो मुझे सूचित करना कि मैंने सही जगह पर एक सही कविता का चयन किया। कि प्यार जब दूसरी बार घटित होता है तो पहले की किन खरिशों को भर देता है। कि शायद मेरी मन बगिया में कुछ पुष्प भाव के झरने थे। शायद मेरी मन बगिया में कुछ पुष्प भाव के झरने थे। शायद मेरे काव्यांगन में कुछ अनुपम गीत उतरने थे। शायद ये फूल मोहब्बत का खिलना था और बिखरना था। शायद ये सब निर्धारित था, मिलना था और बिछड़ना था। शायद ये सब निर्धारित था, मिलना था और बिछड़ना था। शायद मेरे मन में एहसासों की खंडित मूरत थी। और एक पंक्ति आप जिंदा लोगों के सामने कि शायद मेरे मन में एहसासों की खंडित मूरत थी। शायद मुझको इस अनुभव की पहले से अधिक जरूरत थी। शायद मेरे मन में एहसासों की खंडित मूरत थी। शायद मुझको इस अनुभव की पहले से अधिक जरूरत थी। और शायद मुझसे फिर कोमल भावों का सत्कार नहीं होता। अंतिम पंक्ति मेरे काव्य पाठ के लिए समर्थन कर देना कि शायद मुझसे फिर कोमल भावों का सत्कार नहीं होता। सब अनुभव आधे रह जाते अगर फिर से प्यार नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छी कविता को बहुत मन देकर सुन लिया। एक तीन पंक्ति की कविता छह शब्दों की आपके सामने रखता हूँ। जिम्मेदार कविता, केवल तीन पंक्ति की कविता। और कविता कितनी छोटी हो सकती है, बहुत लंबी कविताएं सुनाने की जरूरत नहीं हो। तुलसीदास जी इतनी बड़ी रामायण लिख कर गए, मैं बनिया कवि छह पंक्तियों में पूरी रामायण सुना देता हूँ। एक राम एक रावन्ना, वो छत्री वो बामन्ना, वाने बाकी सिया चुराई, वाने बाकी लंक जराई, राम ने रावण मारन्ना, इतनी सी थी बातन्ना, तुलसी लिख कर पोथरना। तो मैं तो इसकी किसी बात का आदमी हूं। मैं केवल तीन पंक्तियों की कविता, जिम्मेदार कविता आपके बीच पढ़ता हूं कि पहाड़ की घुमावदार पगडंडी पर स्कूल जा रही हैं लड़कियां। धन्य है यही हो सुनकर मोदी जी ने कहा है, बेटियां पढ़ाओ और बेटियां बचाओ। पहाड़ की घुमावदार पगडंडी पर स्कूल जा रही है लड़कियां। जो मेरे आगे फैकल्टी बैठी है, बहुत संजीदा कविता सर आपके विषय की पढ़ रहा हूं कि पहाड़ की घुमावदार पगडंडी पर स्कूल जा रही है लड़कियां। मतलब बचपन में हमें गलत पढ़ाया गया है कि रोशनी सिर्फ सीधी रेखा में यात्रा करती है।